भारत के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए ससेक्स के कप्तान के रूप में अपने पहले मैच में ही दोहरा शतक जड़कर मिडिलसेक्स के खिलाफ काउंटी क्रिकेट मैच में सीजन का तीसरा दोहरा शतक जड़ दिया। वहीं इसके साथ ही वह 108 साल बाद ससेक्स की ओर से एक सीजन में 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। चेतेश्वर पुजारा पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में किसी भी स्तर के मैच में डबल सेंचुरी लगाई है। पुजारा ने लॉर्ड्स में 403 गेंदों पर 231 रन की पारी खेली। वहीं पुजारा इस मैच में टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। इससे पहले इस सीजन में पुजारा ने 387 गेंदों पर नाबाद 201 और 334 गेंदों पर 203 रन की पारी खेली थी। वहीं काउंटी क्रिकेट के दम पर ही पुजारा की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी भी हुई थी। खराब प्रदर्शन की वजह से पुजारा को श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था। पुजारा ने टीम से ड्रॉप होने के बाद काउंटी में ससेक्स की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ रीशेड्यूल टेस्ट मैच में टीम में उनकी वापसी हुई थी। पुजारा ने सीजन में अपना 5वां शतक बनाया है। ससेक्स के लिए खेलते हुए पुजारा इस सीजन में 7 मैचों में 950 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। इस सीजन में पुजारा की दमदार बैटिंग के दम पर ससेक्स ने मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 523 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। उन्होंने टॉम अल्सोप के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 219 रन की साझेदारी की। जब पुजारा मैच में बल्लेबाजी करने आए तब ससेक्स की टीम के 35 ओवर में 99 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद पुजारा ने टॉम ओल्सप के साथ पारी को संभाला और इस सीजन का एक और नाबाद शतक जड़ दिया। ये थी क्रिकेट और उससे जुड़ी जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी ही और भी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें।